अरे कुसुम कुमार, कल तुम विद्यालय नहीं आए थे। जी सर, तबीयत खराब थी। अब ठीक हो? कल काले मेघा पानी दे पाठ पढ़ाया गया था। जी सर, यह पाठ तो धर्मवीर भारतीय जी के द्वारा लिखा गया है। हाँ, तुम्हें सही पता है, यह उनका संस्मरण है। महोदय, यह संस्मरण क्या होता है? संस्मरण किसी व्यक्ति की स्मृति के आधार पर किसी विषय पर लिखा गया आलेख है। इस संस्मरण में लेखक ने किसका वर्णन किया है? इस संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है, विश्वास का अपना सामर्थ्य है। हाँ, तुमने सही कहा, जब किसी समस्या का समाधान विज्ञान नहीं खोज पाता है तब उत्सव धर्मी भारतीय समाज शांत नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लगातार लग जाता है। कल कहानी पढ़ लेना, तब बात करेंगे। तो तुमने संस्मरण को पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लिया। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों कहते थे? जो लोग उनको पसंद नहीं करते वे लोग इन्हें मेढक मंडली कहते थे, क्योंकि ये लोग नंग धड़ंग रहते थे, उछल कूद करते और गली में इनके कारण कीचड़ होता था। अच्छा, ये लोग अपने आप को क्या कहते थे? सर, ये लोग अपने आप को इंद्र सेना कहते थे, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि ये लोग इंद्र की सेना है, इंद्र देव वर्षा के देवता है। इनको पानी देने से भगवान खुश होंगे और जल की वर्षा करेंगे। अच्छा सर, लेखक इंद्र सेना पर पानी क्यों नहीं फेंकता है? देखो बच्चा, बात ये है ना, लेखक पर आर्य समाजी प्रभाव था। वह बेचारा आर्य समाज कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। हाँ श्रीमान, वह इन पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी मानता था। सही कहा बचुआ तूने, लेखक पानी फेंकने को पानी की बर्बादी मानता था। जी, उसके अनुसार इनके ऊपर पानी फेंकने से कोई इंद्र उन्द्र प्रसन्न नहीं होता, केवल यह संग्रह करके रखा पानी बर्बाद करना है। जी जी, किन के तर्कों के आधार इंद्र सेना पर पानी फेंकना सही ठहराती है? जी जी के अनुसार इन पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, क्योंकि यह तो पानी का भगवान को दान है। जब हम दान देते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ तुमने सही कहा, जी जी कहती है कि किसान 4-5 सेर गेहूं जमीन में बोता है तभी 40 मन गेहूं होता है। बच्चे मेघों से पानी के साथ गुड़ धानी क्यों मांगते थे? गुड़ धानी गुड़ और अनाज के मिश्रण से बना एक खाद्य पदार्थ है, जो ग्रामीण समाज में एक तरह का नाश्ता है, बच्चों के लिए किसी व्यंजन से कम नहीं। यह प्रतीक है ग्रामीण खाद्य श्रृंखला का। इसका उत्पादन भी तभी होगा जब वर्षा होगी, इसीलिए बच्चे यह इंद्र भगवान से अपील है कि भगवान पानी बरसाओ, वरना हम बच्चों को गुड़धानी नहीं मिलेगी। सर, गगरी फूटी बैल प्यासा का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर ग्रामीण समाज के दो प्रतीक बैल और गगरी का प्रयोग किया है। वर्षा नहीं होने से इन दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। गगरी वह पात्र है जो जिसमें गांव के लोग पानी रखते हैं पीने के लिए, वर्षा नहीं होने से वह भी खाली पड़ी है, उपयोग नहीं होने के कारण फूट रही है। बैल तो ग्रामीण सभ्यता के आधार है, पर पानी नहीं बरसने से बैल मर रहे हैं, जिस कारण गांव का भी अंत हो जाएगा। इसी कारण बच्चे प्रार्थना करते हैं कि पानी बरसाओ भगवान। श्रीमान जी, गंगा मैया की जय क्यों बोला जाता? नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखो बच्चा, नदियों के किनारे विश्व की सभी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, चाहे वह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो या मिश्र की नील घाटी सभ्यता। भारत में तो गंगा नदी का विशेष महत्व है, भारत के सभी नगर इसके किनारे पर बसे हैं। जी हाँ सर, इतिहास में मैंने यह पढ़ा है। बहुत सही बच्चा, भारत में गंगा जी का जहाँ आर्थिक महत्व है वही आध्यात्मिक महत्व है। हर शुभ कार्य गंगा जल से होता है, इसी कारण इस शुभ कार्य से पहले जयकारा लगाया जाता है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। सर, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चा, भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ तो विश्वास प्रमुख है, यही विश्वास हमारे समाज को जोड़ता है। विश्वास खंडित होते ही रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज बिखर जाता है। जी सर, पर इस पाठ में देखो, लेखक की तर्कशील बुद्धि जी जी के आगे कोई कार्य नहीं करती है, वह नहीं चाहते हुए भी हर वह कार्य करता जिसके लिए उसकी बुद्धि मना करती थी। यह वह भावना ही है जो उन दोनों को बाधे रहती है। जी सर, सत्य वचन।